कि दादरी से लेकर के नारनौल का रोड अगर जोड़ा करके किसी ने बनाया था तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया था। कांग्रेस का जो शासक है राहुल गांधी विधानसभा में बोलता है कि मेरे यहाँ रोड नहीं। अरे कम से कम शर्म कर, 10 साल तक कंटिन्यू तू मंत्री रहा, तेरे से देश से रोड़ी नहीं पड़ी और विधानसभा में आवाज उठाता है, क्या विधानसभा में आवाज उठाने के लायक रह गया? आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेंद्रगढ़ के युवाओं से मिलने के लिए आए आदरणीय भाई नरसिंह जी चौटाला साहब, हमारे युवा के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय उदयजीत सिंह जी राणा साहब, हमारे युवा के जिला के अध्यक्ष भाई दीपक यादव जी बमानिया, हमारे वरिष्ठ नेता राव भूषण सिंह जी, हमारे किसान सेल के जिला के अध्यक्ष आदरणीय धर्मपाल जी नंदनदास साहब, आपके बीच में पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई छोटेलाल जी जैन साहब, पार्टी के सभी वरिष्ठ सीनियर पदाधिकारी, सभी नेतागण, सबका नाम लेगा तो बड़ा समय लगेगा, इसलिए जिनका नाम नहीं लिया गया है वो सबसे आदरणीय है। हमारे जिला की महिला के अध्यक्ष बहन संतोष जी और हमारे हल्का की आज के बाद में नवनियुक्त अध्यक्ष है, उनका नाम आज हम घोषित करेंगे। श्याम कला जी यादव, उनके नाम के बाद जोरदार तालियां बजाओ। आज भाई साहब करण सिंह चौटाला साहब आपके बीच में आए हैं, मैं पूरे जिले की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सड़के ज्यादा और किसानों के पास काम भी ज्यादा, पर आज दीपक यादव ने अपने युवा साथियों को याद आ करके एक जितना जोश दिखाया है तो आज ये जोश कह सकता कि अब के बाद बीजेपी जाएगी और हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आएगी, कांग्रेस जाएगी वो जो बहुत पहले जा चुकी है। मेरा कहने का अभिप्राय कि आज ये मेरी माता बहन बैठी है भाई साहब करण सिंह जी, मैंने इनको भाई युवाओं का प्रोग्राम बोले भाई हम जरूर आएंगे, मैंने कहा आप आना आपका स्वागत है। जितनी भी माता बहने आई मैं इनका तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथ में एक बात कहता हूँ कि बड़े निर्णय बन करके आपको चलना, आपके बाद सबसे ज्यादा अगर हमारी सरकार में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अगर कोई स्कीम बनाई है तो वो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा स्कीम बनाई। महिला जो सबसे आगे चलती है, या देवी सर्वभूतेषु सत्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। जब दुर्गा का रूप धारण करके और जब मेरी माता चलती तो अब की बार इन सब सिस्टम को समेट करके और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के झंडे को आपको ले आना है। हम क्या देंगे, हम क्या करेंगे, ये बात करण सिंह चौटाला साहब आपको बताएंगे। युवा के प्रदेश के अध्यक्ष आए हैं वो आपको बताएंगे। मैं एक ही बात कहता हूँ युवा साथियों को कि एक के साथ एक जुड़े, आप एक बात कह देते इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपनी बार आएगी विधानसभा में, अगर कोई सबसे अच्छा आदमी एक साइड 89 एक साइड एक, आजकल युवा नौजवान इस बात की चर्चा करता
परंतु युवा नौजवान देख रहा है कि मैं किधर चलूं। आज महेंद्रगढ़ का जो युवा नौजवान आया, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जहां भी आपका पसीना बहेगा, हम वहां खून बहाने का काम करेंगे। जहां भी कोई आपकी बात आएगी, कोई भी अधिकारी आपको बगैर बात परेशान करता, किसी भी नौजवान साथी का, किसी माता बहन का काम, हमारा दरवाजा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का दरवाजा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का दरवाजा सदा आपके लिए खुला रहता। आज ही रात आओगे, ये सुरेंद्र कौशिक सेवादार आज 24 घंटे सेवा दे लेता है। मैं महेंद्रगढ़ छोड़कर के कभी करता नहीं। आज तो देखा जाए, मैं चौटाला साहब को, करण सिंह जी को बताना चाहता हूं कि मेरी माता अनपढ़ है, वो पढ़ेगी कि नहीं, पर उसके पास क्या है, सारे कागज मिलेंगे, वो अंग्रेजी में लिखे हुए मिलेंगे। अगली को आए ना हिंदी में, और कागज की सरकार ने किसके दे दिए, अंग्रेजी के, ये तेरी फैमिली आएगी, पेंशन की आएगी, ये तेरी फलानी चीज की आएगी, अब तो रोटी भी मिलेगी तो बाकी आईडी से ही मिलेगी। ये तो परेशान हो गए, और मैं करण सिंह चौटाला जी से कहता हूं कि आने वाली सरकार आपके, ये हरियाणा का राज आपको करना, गरीब आदमी को आपको संभालना, अगर पेंशन आपने की थी तो पेंशन अगर किसी ने बुजुर्गों की थी तो वो भी आपके परिवार ने, आपने चौधरी देवीलाल ने की थी, अगर गरीब का भला किया तो चौधरी देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया था, अगर बैंक पर गरीब हरिजन की चौपाल बनाने का काम किया तो वो चौधरी देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया था। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये सरकार जो झूठा ढिंढोरा पीट थी, इस सरकार ने क्या किया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो राज था 2004 में दादरी से लेकर के राव हुसैन सिंह पवार, कि दादरी से लेकर के नारनौल का रोड अगर जोड़ा करके किसी ने बनाया था तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनाया था। कांग्रेस का जो शासक है राहुल गांधी विधानसभा में बोलता कि मेरे यहाँ रोड नहीं, अरे कम से कम शर्म कर, 10 साल तक कंटिन्यू मंत्री रहा, तेरे से देश से रोड़ी नहीं पड़ी, और विधानसभा में आवाज उठाता, क्या विधानसभा में आवाज उठाने के लायक रह गया, मेरा कहने का अभिप्राय। उसके बाद ये दिक्कत देता और अब ये 4 लाइन जमीन इंक्वायर हुई, 6 लाइन की, एक ऐसा टुकड़ा पूरे हिंदुस्तान में कि वो मंदोला तक रोड 6 लाइन, नारनौल से आगे 6 लाइन, और बीच का रास्ता 4 लाइन, ये नेताओं की त्रुटि। महेंद्रगढ़ में कितने घंटे करण चौटाला जी कल के रुके हुए, ये अभी दीपक जलाएंगे, और कहे 22 तारीख को भगवान राम को हम सबसे ज्यादा मानते, ये जो जितने भी ढिंढोरा पीटते बोल रहे हैं ना, ये तो भगवान राम की आरती भी नहीं आती, वो हमें आती है। जब राम मंदिर अभी बनने के लिए जा रहा था, चंदा इकट्ठा किया था, मैंने 1 लाख रुपया देने का काम किया था, पर पीला था, ये बात का लोग अब कह रहे हैं 22,000-2 लाख दीपक जलाएंगे। मैं आपको एक ही बात कहता हूं, दीपक आप भी जलाना महेंद्रगढ़ में, पर दीपक उस गड्ढे में जलाना जो इस सरकार ने गड्ढा खोदने का काम किया है, उस गड्ढे में दीपक जलाना, ताकि इनको पता लग जाए कि भगवान राम को तो मानते हैं, पर तुमने क्या कर रखा है, वो दीपक ध्यान जल रहा है। मेरा कहने का अभिप्राय कि सरकार आएगी, जितना भी कागज है सबको पाड़ के फटवा देगी, एक राशन कार्ड बचेगा, उससे पेंशन बनेगी, उसी से राशन मिलेगा, उसी से सारा काम होगा। 1.5 किलो कागज जो तुम्हारी थैलियों में डाल रखे हैं ना, ये कोई कागज किसी काम का नहीं रहेगा। अब आपको सबको करण सिंह चौटाला बन के रखना है, मेरा ये अभिप्राय है, और मैं दोबारा से दीपक यादव को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नया नवयुवक है, जवान है, और इसको राजनीति का इतना ज्ञान भी नहीं है, हम तेरे कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, और किसी बात की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हमारे संगाराम एमपी से, संगाराम मेंबर आए, बलोक समिति का मेंबर, गांव में सरपंच भी यही बनाता,
हमारे पार्टी को बीच में क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने जो दिक्कत की थी तो उसने संगाराम देख करके कि भाई कहां गए कहां नहीं गए, संगाराम बीजेपी में चला गया था। संगाराम ने बीजेपी को आमिलार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के चरणों में कहा। जब मैं गुड़गावा लेकर के गया तो संगाराम ने जो ही ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ देखा और देखते ही संगाराम की आंखों में आंसू आ गए थे कि हम आपसे दूर गए थे पर हमारा दिल दूर नहीं था, आज भी हम आपके साथ हैं। और संगाराम ने उसी दिन कह दिया था कि जहां भी इनेलो का पसीना बहेगा मैं खुद होने का काम करूंगा। आज देखा जाए हमारा सही प्रधान हमें बनाया कि आगे सही, आज सहियों का सिस्टम हमारे पास सबसे ज्यादा होता जा रहा है। कंग सिंह जी भाई साहब, आज देखा जाए कि आज का नौजवान महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा अगर कोई हमारे साथ आज भी जुड़ने लग रहा है तो महेंद्रगढ़ का गरीब तबका जुड़ने लग रहा है। और सबको मैं कहना चाहता हूँ कि आज रात को याद करोगे वैसे करते हो, मैं तत्परता से आपके बीच में मिलता हूँ। मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी अधिकारी कोई कर्मचारी कोई नेता आपको अगर बगैर वजह परेशान करता आप हमारे पास आइएगा, आप आके रहते हैं, मैं शहर में घूमता रहता हूँ और बाकी बात आपको हमारे नेताओं की सुननी है। आज सरकार वो षड्यंत्रकारी सरकार, षड्यंत्र में फंसाती है सरकार, ये सरकार दबाना चाहती है हर आदमी को। और एक उदाहरण बता देता हूँ कि इस सरकार के हालात क्या है। अभी राजस्थान के कितने दिन पहले चुनाव हुए थे, डेढ़ महीना पहले मुख्यमंत्री भी बना दिया, सरकार बना दी और टीटी साहब को मंत्री भी बना दिया हारे हुए को। और फिर करणपुर में एक सीट खाली करवाई गई जीते हुए एमएलए से कि आप इस सीट को खाली करो या इसको चुनाव लड़ाएंगे टीटी साहब को। सीखना है तो करणपुर की जनता से सीखो। उन्होंने क्या काम किया, वहां जाकर के उपचुनाव करवाया और उसको 12,000 से दोबारा हरा दिया, बनाए हुए मंत्री को हरा दिया। अब यही होनी है बीजेपी, अब बीजेपी का कोई सिस्टम है नहीं। कल एक बार कह रहे थे हमारे यहां प्रदेश अध्यक्ष आए थे, सैनी साहब को भाषण लेकर के गए हैं, सैनी साहब बढ़िया आदमी है ठीक है, पर उन्होंने एक बात कही कि बगैर खर्ची और बगैर खर्ची की सरकार है। संग्राम बगैर खर्ची की खर्ची की सरकार है, मार लाके तो पंचायती तक भी होती है, बदली इनकी सरकार मेरा रुपया ले लिया, मेरे 100 रुपया लाके मेरा रुपया ले लो। और ये कह रहे हैं बगैर खर्ची की सरकार है, कितनी पंचायत ले गया हूं, कितने पैसे दिए हुए गिना हूं, कितने सबूत गिनाए। एक वो कैलाश है बात होता वो आज भी फेसबुक पे रिश्ते रोने लग रहा, कितनों को गिनाया जाए। यहां जो देखा जाए तो चोर ही चोर, मेरा कहने का अभिप्राय एक ही कि चौटाला साहब से ज्यादा खड़ा आपका कोई नहीं कर सकता। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वो नेता है कि उसके कार्यकर्ता के ऊपर दिक्कत आए वो भी दे ले 2 घंटे उसके घर पहुंचने का काम करता है। और वैसे भी देखा जाए तो आज आपको नया काम बता रहा हूं, किसी का फैक्ट्री पढ़ाई हो, किसी को कोई नेता परेशान करता हो, किसी को कोई अधिकारी परेशान करता हो, किसी के साथ कोई गुंडागर्दी करता है, ईवीएम नेशनल लोकदल का झंडा अपने घर पे लगाओ, 3 किलोमीटर तक उस घर के अंदर वोटरी पढ़ाई का भी काम नहीं रहता, जेल का मानस तो बदमाशी का से करेगा। अधिकारी परेशान कहां से करेगा जब ईवीएम नेशनल लोकदल की झंडी जब चलती हुई दिखाई देगी। यहां पहुंचे पड़े गए थे कई आदमियों के, जब मैं वहां पहुंचा था जब चश्मा की झंडी वहां पे पहुंची थी मैंने एक ही बार कहा था कि खबरदार अगर किसी के हाथ लगाया तो, किसी कर्मचारी अधिकारी की हिम्मत नहीं पड़ी थी, डीसीएसपी यहां पे खड़ा था किसी ने हाथ नहीं लगाया, परंतु जब वहां गया जी शर्मा वहां पे पहुंचा और वो कहने लगा कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा हूं
और करके उसके सामने बांटने का काम किया। ये सोचने का विषय है, आप सबने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना है, मैंने समय ज्यादा ले लिया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। क्यों कि महेंद्रगढ़ भाई साहब बहुत ज्यादा दलदल में इनको बताना पड़ता है, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और एक बार जोरदार जयकारा लगाना है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित सिंह चौटाला जी जिंदाबाद।